केरल से अपनी किस्मत आजमाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। आज वायनाड से दाखिल करेंगे नामांकन। प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता होंगे राहुल के साथ। घोषणा पत्र को जनता तक पहुंचाने में लगी कांग्रेस। आज देश के कई शहरों में कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे पीसी। जनता को दिलाएंगे वादों पर भरोसा। उत्तर प्रदेश में अपना गढ़ बचाने की कोशिश में राजनाथ सिंह। आज से 3 दिन तक लखनऊ में जमाएंगे डेरा। कई रैलियों को करेंगे संबोधित। अमेठी की जंग हुई जबरदस्त। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार का बिगुल फूंकेंगी स्मृति ईरानी। आज किसान मोर्चा महासम्मेलन में लेंगी हिस्सा। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी का दम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी। रामलीला मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। सूबे की 5 सीटों पर 11 अप्रैल को होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के 100 दिन पूरे। कार्यकर्ता सूबे में मनाएंगे जश्न। बीजेपी बोली 100 दिन नहीं रहे असरदार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। 14 राज्यों की 115 सीटों पर 23 अप्रैल को होगा मतदान। जनता को मिल सकती है महंगाई से राहत। आज होगा रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक घट सकती हैं ब्याज दरें। सीबीआई में भ्रष्टाचार के मामले में होगी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने रिश्वतखोरी की जांच के लिए मांगा है 6 महीने का और वक्त। और आईपीएल के महाकुंभ में आज होगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। रात 8 बजे से दिल्ली में खेला जाएगा मैच।